मिर्जापुर में नदी पार कर सब्जी तोड़ने जा रहे लोगों से भरी नाव पलट गई। हादसे के बारे में जानकारी के मुताबिक आज नाव पर सवार होकर महिलाएं और लड़कियां सब्जी तोड़ने जा रही थी, तभी अचानक से नाव नदी में डूब गई थी। इसी दौरान दो लोग तैर कर बाहर आए और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। तुरंत ही इसकी सूचना पर कुछ मछुआरे नदी में कूदकर डूबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल नाव डूबने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर है। ऐसे में गोताखोरों को लगाया गया है, जबकि वाराणसी से तत्काल NDRF की टीमों को भी मिर्जापुर बुलाया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि गोताखोरों ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कुछ घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कुछ लोग मटर तोड़ने के लिए गंगा के उस पार जाते थे और लोकल नाव जो है उसको यूज करते थे, तो वो नाव डूब गई और उसमें 17-18 लोग जो सवार बताए जा रहे थे, तो जो लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है तो सभी को बचा लिया गया है। 12 जो लोग हैं वो अस्पताल में हैं और 5-6 लोगों का वो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि वो घर पे चले गए हैं, तो मैंने एक टीम लगा दी उनको भी ट्रेस कराने के लिए। उन 5-6 की भी हम पुष्टि करा लेंगे और इनका जो इलाज है वो निःशुल्क इलाज इनका किया जा रहा है। अभी क्या कंडीशन है सर, जो लोग निकाले गए हैं? जो भी लोग निकाले गए हैं सभी की कंडीशन ठीक है। एक के केवल ऑक्सीजन है और हल्का सा BP बढ़ा हुआ, बाकी सभी नॉर्मल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तत्काल सुबह लोग यहाँ के बताए कि ऐसी ऐसी घटना हो गया है। मैं तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक को मैंने बताया कि ये घटना हुआ है, वो कहे विधायक जी मैं तत्काल वहाँ गोताखोर और फोर्स भेज रहे हैं, और उनसे बात किए। फिर मैं जिला अधिकारी से, CMO से बात किए, सिटी मजिस्ट्रेट से बात किए। फिर हम यहाँ आ रहे थे तो देखे रास्ते में लोग थे और ले गए हॉस्पिटल में, पूरा व्यवस्था कराकर पुनः हम यहाँ मौके पर आए हैं। अब स्थिति सब ठीक है। 18 लोग थे, 18 का 18 लोग निकाल लिए गए, जिसकी वजह से माँ का कृपा था कि कुछ घटना नहीं हुआ। और लोगों से हमारा यही संदेश है कि ज़्यादा लोग न बैठें और माझी लोग भी लिमिट से 10 अगर हैं तो उसको 9 ही बैठाएं, क्योंकि जान बहुत कीमती है। और प्रभु का माँ का ही कृपा था जो कि सभी के सभी लोग बच गए।